लक्सर कोतवाली क्षेत्र के दो अलग अलग गांव के कुछ युवकों में ट्यूबवेल पर करीब चार दिन पहले नहाने को लेकर विवाद हो गया था, जो रंजिश की वजह से बना हुआ था। उसी विवाद के चलते आज डेरा कलाल गांव में एक श्रवण नाम के युवक ने पीतपुर गांव में पहुंचकर कुछ युवकों के ऊपर हवा में तमंचा लहराया, गाली गलौज भी शुरू कर दी। इस दौरान गाँव के कुछ युवक इकट्ठा हो गए और उसे घेर लिया। जब उसने अपने आप को घिरा देखा तो उसने एक युवक के ऊपर फायर झोंक दिया। पास में खड़े कुछ युवकों ने इसकी वीडियो बना ली और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह सरेआम तमंचा लहरा रहा है। युवक द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली पीतपुर गांव के युवक को पैर में जा लगी, जिस पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, आसपास खड़े बच्चों को भी तमंचे से चली गोली के छर्रे लगे हैं और चार अन्य लोगों को भी हल्के फुल्के छर्रे लगे हैं। लेकिन जिस युवक के पैर में गोली लगी है उसकी हालत बेहद गंभीर है। मामले की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई है, जो सूचना पाकर लक्सर पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची है और घटना को देखते हुए लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी राजन सिंह ने गाँव में फिलहाल पुलिस बल लगा दिया है। लाइव उत्तराखंड के लिए लक्सर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। नहाने के उसमें कुछ विवाद हुआ है, उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि तमंचे से फायर किया है, तो घायल हुआ था, घायल का अस्पताल पहुंचा दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और हम उसको शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। जी मेरा भाई एक लड़का है, मेरा भाई नहाने के लिए गए थे ट्वेल्थ, तो वहाँ पे इनको नहाने नहीं दिया, उल्टा इनके बचा दिया। तो आज वो गाँव में आया था तो गाँव में उसको रोक कर रखा उन्होंने, तो मारा मुड़ा तो उसको है नहीं, उल्टा फिर उसको गोली मार के भाग गया मेरे भाई की। हम सरवण जी और बिंदा। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।